ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार का आज का एपिसोड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं दो कारें, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन जो होंडा सिटी है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या रियली एक नई कार है या फिर वही पुरानी कार को कॉपी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस बात को, पुरानी कार की बात करेंगे साथ साथ नई कार की बात करते चलते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों फ्रंट से। फ्रंट में अगर देखें तो पुरानी कार के अंदर, फोर्थ जनरेशन कार के अंदर बम्पर थोड़ा बड़ा है और ग्रिल थोड़ी छोटी है और इसके अंदर क्रोम का इस्तेमाल थोड़ा कम किया गया है। वहीं पे अगर साइड में आए तो इसमें भी एलईडी हेडलैम्प्स और इसके साथ टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड हैं और इसके अंदर एलईडी डीआरएल्स भी हैं। बम्पर इसका भी देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम आए फिफ्थ जनरेशन के ऊपर तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर कम्प्लीटली एक नई गाड़ी हमें देखने को मिलती है जिसके अंदर 9 स्लैट वाला एक हमें एलईडी का एक स्ट्रिप मिलती है जिसके अंदर की फुल एलईडी वो हेडलाइट्स हैं। उसके साथ ही बड़ी खूबसूरती से उसके ऊपर की तरफ रैप करके एलईडी डीआरएल्स लगाई गई हैं। उसके नीचे रैप करके एल शेप में ही टर्न इंडिकेटर्स को दिया गया, वो भी एलईडी में है। तो ये हेडलैम्प्स की शेप और हेडलैम्प के डिज़ाइन के अंदर, सारी चीज़ के अंदर फ़र्क डाला गया है। फ्रंट बम्पर इसका उससे बहुत अलग है, हालांकि इसके अंदर भी जो फॉग लाइट्स हैं वो भी राउंड आती हैं और पहली वाली में भी राउंड आती थी। अगर बात करें दोस्तों साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल में देखने में आइडेंटिकल लगती है गाड़ी, थोड़ी सी कर्व्स में चेंजेस ज़रूर किए गए हैं। वही बिग ग्लास एरिया जैसे पिछली में था वैसे ही इसमें है, जो एक खासियत है होंडा सिटी की, एक प्रॉपर मेंटेन की हुई प्रोपोर्शन लगती है दूर से गाड़ी। होंडा सिटी की जो फोर्थ जनरेशन थी और फिफ्थ जनरेशन है उसके अंदर एलॉय व्हील्स का फ़र्क है। R16 टायर इसमें भी हैं और इसमें भी है, लेकिन एलॉय व्हील्स के डिज़ाइन का फ़र्क डाला गया है ज़रूर। अब बात करूं दोस्तों अगर इसकी टेल की, तो टेल के अंदर अगर मैं करूँ फोर्थ जनरेशन की, तो उसके अंदर बहुत ही बारीक सी दो लाइन्स आती थी एलईडी की, एलईडी की दो स्ट्रिप्स कह सकते हैं कि पीछे आती थी जिसके अंदर की हमें एलईडी टेल लाइट्स नज़र आती थी। अब जो नई वाली है उसके अंदर हमें रैप अराउंड मिलता है, वो रियर प्रोफाइल जो है साइड प्रोफाइल के अंदर मर्ज होती हुई बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने पेश की गई है और फुल एलईडी है वो, 3 स्लैट्स के अंदर डिवाइड की हुई और वही बम्पर के अंदर भी मर्ज होती हुई है, यानी कि थोड़ी सी बड़ी कर दी गई है और थोड़ी खूबसूरत कर दी गई और सपोर्टी और लुक देने की कोशिश की गई है। और टेल गेट की बात करें तो वो भी काफ़ी चेंज है, काफ़ी रिवाइज्ड है। और अगर बात करूं दोस्तों इसकी डायमेंशन की, तो पहली वाली गाड़ी से ये बड़ी भी है, लंबी भी है और चौड़ी भी है, यानी कि अगर कहा जाए तो कंप्लीट एक बाहर से देखने में बनावट की बात करें तो नई गाड़ी देखने में ज़रूर हमें देखने को मिलती है जो कि पुरानी गाड़ी को रिप्लेस करने की दावा रखती है, जो 100% सही लगता है देखने में। और अगर दावा इनकी तरफ से देखें तो ये किया जाता है कि ये अपने सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी और सबसे लंबी गाड़ी होगी जो नई फिफ्थ जनरेशन गाड़ी आ रही है। अब बात करूं दोस्तों इसके इंटीरियर के अंदर, तो दोनों के अंदर ही ब्लैक एंड बीज का इंटीरियर कॉमन है, ब्लैक एंड बीज कलर ही रखा गया है दोनों गाड़ियों के अंदर। अगर बात करूं डैशबोर्ड की, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें चेंजेस नज़र आएंगी। जहां पुरानी होंडा सिटी के अंदर एसी वेंट्स का डिज़ाइन कुछ अलग था, अभी होंडा सिटी जो नई आई है उसमें थोड़ा सा और सपोर्टियर है, एसी वेंट्स के डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहा है। वहीं पर अगर फोर्थ जनरेशन की बात करूँ तो उसके अंदर जो MID था उसके अंदर 3 डायल्स यानी कि 3D टाइप में कुछ नज़र आते थे और सबसे छोटा डायल था उसके अंदर हमें TFT स्क्रीन नज़र आती थी जिसके अंदर की कुछ इन्फॉर्मेशन आया करती थी। 17.7 का दोस्तों फुल कलर का MID इसके अंदर पेश किया गया है जिसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती हैं। अगर बात करूँ दोस्तों इसके टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, तो वो भी 20.3 सेंटीमीटर का अब थोड़ा चेंज कर दिया गया, देखने में अच्छा लग रहा है। अब DigiPoint 2.0 जो पहले आता था उसको चेंज कर दिया गया है, उसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ साथ एक वाइड एंगल कैमरा की सुविधा भी दी गई है। अब नई चीज़ इसके अंदर ये आ गई है
कि जो साइड वाले हमारे ORVMs होते हैं उसकी जो डिस्प्ले है वो हमें कैमरा के अंदर नज़र आती है, यानी कि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है हमारा उसके अंदर, उसकी स्क्रीन के अंदर वो चीज़ें नज़र आती हैं। ये सेफ्टी पैक के अंदर भी एक नई चीज़ जोड़ दी गई है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, तो ये चीज़ वेलकम है, अच्छी चीज़ है ये। अब इसके अंदर भी जैसे वाइड एंगल कैमरा पहले था, अब भी इसके अंदर वैसे ही है। और अगर नीचे बात की जाए तो एक टच पैड दिया गया था AC की कंट्रोल्स के लिए जो कि थोड़ा ऑड सा लगता था, अब उसकी जगह पर 3 डायल दे दिए गए हैं, वो भी देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। अगर बात करूँ सीट कुशनिंग की तो थोड़ी सी और इम्प्रूव कर दी गई है। रियर में अगर देखें तो मैगजीन होल्डर, बॉटल होल्डर्स, वैसे ही यूटिलिटी की स्पेसेस काफ़ी सारी दी गई हैं। अगर बात करूँ दोस्तों इसके रियर एसी वेंट्स की तो पहले भी थी और अब भी हैं वो, जिसके साथ की 12 वोल्ट की सॉकेट और USB पोर्ट साथ में दे दी गई है। अगर बात करें दोस्तों इसके बूट की, पहले वाले बूट से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। पावर फिगर की दोस्तों बात करें इंजन की, तो इसके अंदर अभी के लिए 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है। 1.5 लीटर के पेट्रोल के अंदर हमें 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड का पैडल शिफ्टर हमें मिल जाता है CVT के अंदर, जो कि बेहतरीन है, बहुत अच्छी तरीके से अपनी भूमिका निभाता है। और अगर बात करूँ दोस्तों इसके जो अब वाला संस्करण है उसके अंदर भी ऐसा ही रखा गया है, इंटैक्ट रखी गई हुई चीज़ें, 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का डीजल, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के अंदर मिल जाता है, और पेट्रोल के अंदर हमें CVT ट्रांसमिशन भी साथ में मिल जाएगा, यानी कि डीजल के अंदर अभी भी ऑटोमेटिक की सुविधा हमें नहीं मिल पाएगी। अगर बात करूँ दोस्तों सेफ्टी फीचर्स की, तो पुरानी गाड़ी के अंदर क्या क्या आता था उसकी अगर मैं बात करूँ तो 6 एयरबैग्स, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ABS प्लस EBD, ऑटो डिमिंग IRVMs, रिवर्स व्यू कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, वाइड व्यू कैमरा और चाइल्ड ISO फिक्स की सुविधा इसके अंदर दी जाती थी। लेकिन अब के जो संस्करण जो 6th जनरेशन आया उसके अंदर इसके साथ साथ ही जो टच पैड, जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके अंदर ही हमें जो साइड व्यू मिरर हैं उसके साथ उसको भी साथ में जोड़ दिया गया, उसकी जो स्क्रीन है उसका जो डिस्प्ले है उसके अंदर हमें नज़र आता है। उसके साथ ही हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, और जो एयर बैग्स हैं वो है तो इसमें 6 ही हैं, लेकिन एक और अच्छी चीज़ इसके अंदर साथ में जोड़ दी गई है कि इसके अंदर क्विक डिप्लॉयमेंट की टेक्नोलॉजी डाली गई है, यानी कि जब कार कहीं टकराए तो उसकी जल्दी से जल्दी एयर बैग्स खुल जाएँ, इसकी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। थोड़ी सी एक बात और एमेंड इसमें साथ में जोड़ना चाहूँगा मैं, जो गियर बॉक्स है दोस्तों पहले की बजाय अब थोड़ा सा और स्मूथ करने की कोशिश की गई है, ये इनका दावा है, बाकी चलाकर पता लगेगा गाड़ी कैसी है। और इसके साथ ही हमें व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जिसमें कि डिफ्लेशन की वार्निंग हमें साथ में मिल जाएगी, हिल असिस्ट और ग्लोबल एशियन NCAP जो थाईलैंड के अंदर जो गाड़ी बनाई गई है उसको एशियन NCAP के अंदर 5-स्टार की रेटिंग भी मिली है। तो अगर देखा जाए तो सारी चीज़ों को तो बहुत खूबसूरती से सारी चीज़ों को उन्होंने रखा है, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ नया जोड़ने की कोशिश भी की गई है। कैमरा खासियत अच्छी है, जो साइड के जो मिरर हैं उनकी जो डिस्प्ले आपके टच स्क्रीन सिस्टम के अंदर आती है उससे आपको बार बार इधर उधर ध्यान नहीं करना पड़ता, तो इससे एक सेफ्टी का पैक कह सकते हैं कि एक साथ अच्छी जुड़ी की चीज़ है, ये वेलकम चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है ये। और उसके बाद अगर कहें तो अब के जो संस्करण है उसके अंदर हमें 1,00,000 रुपये तक के डिस्काउंट पेट्रोल वेरिएंट के अंदर मिल रहे हैं, डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट देते हो, टॉप वेरिएंट के अंदर हमें 1,00,000 के मिल रहे हैं, 50,000 का कैश डिस्काउंट है, 50,000 का एक्सचेंज बोनस है, और बाकी काफ़ी सारी और चीज़ें भी मिल रही हैं। तो ये जो नया संस्करण है बहुत ही जल्दी हमारे सामने लॉन्च भी कर दिया जाएगा, और इसका सब कुछ हमारे सामने दिख रहा है। आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी अभी भी बेहतर पुरानी ही लग रही है, या नई वाली कुछ बेहतर है, या नई वाली कुछ अच्छी लग रही है देखने में, लुक किसकी बेहतर है आप मेरे को बताइएगा, नीचे कमेंट में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, जिनको ये पसंद आया, ये जो कंपैरिजन पसंद आया लॉन्च होने से पहले ही बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।